श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र चार अनुवाद। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसिक हो आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। व्याख्या करते हैं। अष्टावक्र जी को भी आश्चर्य हुआ कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। वे पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर जान लिया तो फिर कामासक्त होकर इंद्रिय के भोगों में क्यों अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। यदि कोई अज्ञानी इनकी ओर आसक्त रहते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें महान आनंद नहीं मिला, इसलिए शुद्र आनंद में लिप्त है। किंतु ज्ञानी इस आत्मा रूपी महान आनंद को पाकर भी यदि शुद्र में रस लेता है तो इसका अर्थ है सभी आत्मानंद का अनुभव हुआ नहीं। जनक जी के उत्तर पर ही अष्टावक्र जी निश्चित होकर करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। जनक जी के उत्तर पर ही अष्टावक्र जी निश्चित करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम नारायण।